शो। पाजी, आज के शो में एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। अच्छा, इतिहास ऐसा होने वाला है। हाँ, इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि आज तक कभी एक एपिसोड में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज बहुत सारी एक्ट्रेसेस आ रही हैं। एक वो हैं जिनका मैं एज ए सिंगर बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत सालों से फैन हूँ। एक वो हैं जिनके आप और मैं दोनों बड़े फैन हैं, और बाकी सब जो आ रही हैं वो तो मेरी फैन हैं ही। लेकिन जब वो स्टेज पे आएंगी, आप सब उनके भी फैन हो जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। सो आज तकरीबन एक दर्जन के करीब आपको खूबसूरत लड़कियां देखने को मिलेंगी। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा फिल्म बेगम जान की टीम। सबसे पहले द वेरी टैलेंटेड विद्या बालन, इला अरुण जी, गौहर खान, पल्लवी शारदा, रिधिमा तिवारी, प्रियंका सेतिया, रवीजा चौहान, पूनम राजपूत एंड फ्लोरा सैनी। गिर रही है बिजलियां, आज महफिल में हुस्न छाया है। वाह, लग रहा है जैसे खूबसूरती का पावर हाउस आया। ये नौ अप्सराएं लग रही हैं जैसे नौ लखा हार, आज तो मेरा भी साइलेंट दिल वाइब्रेशन पे। पाजी, ये ना, ये थोक वाला काम नहीं करना। हाँ। पर चून वाला काम। अब नौ शेर बोलने पड़ेंगे आपको। आपने नौ शेर बोलने, छह छह लाइन के एपिसोड खत्म। मैं तो एक ही लाइन कहनी है जी। चारों तरफ गोपियां, बीच में कपिल भैया, ठोको। आपने ये बहुत अच्छा कहा, सही कहा, कपिल भैया। कैसे हो कपिल भैया? आपकी तो हो गई शादी, मेरा बाकी नेटवर्क क्यों खराब कर रहा है? शादी होने से कुछ नहीं होता कपिल। पक्का? पक्का। तो फिर मतलब आप ये हिंट दे रही हैं मुझे? मुझे पता है कि आपकी फ्लर्टिंग की इतनी फितरत है। आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नहीं लग तो रही तो मैंने कहा कि एक से आपका क्या होगा। तो नौ के नौ आ गए। आपको पता है 9 इज माय लकी नंबर। व्हाट आर यू सेइंग? या K9 फिल्म्स प्रोड्यूसिंग ए फिरंगी। आपका प्लगइन जो है ना, प्रमोशन आप अभी से कर रहे हो, आप कमाल के हो। पर मैम, विद्या मैम, मेरी प्रॉब्लम है, जैसे आपकी फिल्म आ रही, इतना खूबसूरत ट्रेलर, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बड़ा ही बोल्ड सब्जेक्ट है। हाउ आर यू मैम? आई लव यू मैम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट पड़ा मुझे आपसे। सीरियसली, हाउ आर यू गौहर? हाउ आर यू? वेलकम वेलकम। हाउ आर यू पल्लवी? गुड गुड। आओ आओ, कैसे हैं आप? बहुत बहुत। हाउ आर यू? थैंक यू। ओए, ये को Are you from New Zealand? I'm from Himachal. Oh, oh. नानी, तुम? हाय हाय, ये अलग गेटअप में भी तूने मुझे पहचान लिया? इतनी खूबसूरत लड़कियों, पहली बार मर्दों वाला हाथ आया। चूड़ियों से ज्यादा बाल है तुम्हारे हाथ में, तो पहचानूंगा नहीं तुम्हें। तो क्या करूं मैं? पैदा भी तो मैं नाना ही हुई थी ना, वो तो कमबख्त पापी पेट ने मुझे नानी बना दिया। सच में बेगम जान, मेरी कहानी भी बिल्कुल आपके घर जैसी है। हाँ, जैसे फिल्म में आपका घर बॉर्डर पर आ जाता है ना, मतलब ना इधर का रह जाता ना उधर का, हम भी शो पे आकर ऐसे ही हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के। पर मुझे इनके साथ आने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो मैं ये देखने के लिए आई थी, इतनी इतनी ओरिजिनल औरतें आई है आज, कहीं तू हमें हटाकर इन्हें शो में ना रख ले। जेलस। एक्चुअली बात सही कह रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल लड़की खूबसूरती अलग होती है, इनको असेंबल करने में इतना टाइम जाता है हमारा। मैं तो सोच रहा हूँ इला जी इतनी टैलेंटेड है, मैं इनका इतना बड़ा फैन, उनके गाने का। इला जी, आप मेरी नानी का रोल कर लेंगी?
कर लूंगी कर लूंगी देखा? क्या कर लूंगी कर लूंगी, इनका बजट नहीं उठा पाएगा। अरे जितने बड़े फ्लाईओवर नहीं होते उतनी बड़ी बिंदी लगा लेती है ये। हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हम मेकअप करके किसी को भी नानी बना सकते हैं। जैसे किसी को भी बना सकते हैं, मेकअप ही करना है, बाल सफेद कर देंगे। गौहर मेरी दोस्त है इतनी अच्छी, उसको बना दे, बन जाओगी। मैं नानी बिना विग के भी बन सकी हूँ। अरे डिफरेंट कैरेक्टर चैलेंजेस। हिट्टे मुंह तेरे, तेरे भी, तेरे तेरे, मैंने देख लिया इनमें से कोई भी तेरी नानी बनने के लिए तैयार नहीं है, मतलब मेरी नौकरी पक्की। सिद्धू साहब आई वॉन्ट, हाय थैंक यू विद्या, लव यू सो मच, हाय मेरी बड़ी बहन इला, थैंक यू सो मच, लव यू। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। ये क्या है? और लव यू। ये क्या है? इतना क्या मतलब करने की जरूरत थी? इसका ऐसे सारी भी हो जाता है, कभी कभी लुंगी भी बांध लेती हूँ। आपकी पर्पस है। ओके अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, लव यू। एक बार बेगम जान की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां। आइए जहां जहां जगह मिलती बैठ जाइए, आइए बड़ा अच्छा लग रहा है। आए हाय हाय। मैं विद्या जी को बोलूंगा कि वो ही एक्सप्लेन करें, ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। किस बारे में है बेगम जान? बेगम जान जो है दो भाइयों की कहानी है, मुकेश भट्ट और महेश भट्ट। जिनको हम पैसे कमाना सिखा रहे हैं इस फिल्म में। इतनी खूबसूरती, बढ़िया म्यूजिक अनु मलिक का, अच्छा। बहुत सारा एक्शन एंटरटेनमेंट सब कुछ है, तो इसी बात पे आलिया और फिर तालिया। इला जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इला जी आपके जितने भी गाने आए आपने बहुत नचाया है म्यूजिक के शौकीन लोगों को। अच्छा आपका एक गाना है इला जी, मैं बड़ा फैन हूँ, मुझे पता नहीं हमारे पास राइट्स हैं कि नहीं है। आप राइट की परवाह मत करना, गाओ जहाँ गाना है। नहीं ये है शेरनी, उनको पता है कि बिल तो हमें ही आना ना। कपिल मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही थी, आपकी माँ आपको क्या खिलाती थी बचपन में, क्योंकि इतना सारा टैलेंट एक इंसान में कैसे हो सकता है? आप गाते भी हो, एक्ट भी करते हो, जैसे आप पोस्ट करते हो, कोई नहीं करता। ये दिल से मैं कह रही हूँ आपको, कपिल मेरी तरफ देख के कह रहे हैं कुछ नया बोलो यार। नहीं, मैं एक्चुअली मैं सोचने लगा था एक्चुअली। हाँ। जनरली कभी कभी मुझसे ऐसे कोई पूछता तो मैं सोचने लग जाता हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी थे पुलिस में थे, पर वो ड्रम वगैरह प्ले करते थे। उनको बॉलीवुड का ट्रिविया था, मेरे बचपन बहुत छोटा था तो घर में टीवी नहीं था, तो उनके मुंह से मैं सुनता था। तो जैसे अभी हम बोलते हैं कि ये फिल्म में आप हीरोइन है, ये डायरेक्टर है, इतना ही हमें पता होता है ना। हाँ। उनको म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, ये कब रिलीज हुई, जाहिर है कि वहां से। हाँ, तो मुझे लगता है ये सब वो शायद करना चाहते थे अपनी लाइफ में, तो वो उनको नहीं मिल पाया तो वो चले गए दुनिया से। वो शायद वो डिजर्व करते थे जो मुझे मिला है, तो नहीं तो इतना प्यार, बहुत टैलेंट है दुनिया में, तो ये आप लोग इतना प्यार करते हैं। मेरी टीम में कुछ लड़कियां हैं, तो बिकॉज आप सब लड़कियां हैं तो इनके कुछ ऐसे सवाल हैं जो अगर मैं पूछूंगा तो आप शॉक मत होना। हाँ। क्योंकि ये लड़कियों के सवाल हैं। हाँ। इनके सवालों में से एक सवाल ये भी है कि फिल्म जो है 1940 में सेट है इसका प्लॉट। हाँ। जैसे फिरंगी का 1920 में है। फिल्म की लुक्स पे काफी काम किया गया है, इनके आप मेकअप देखें, इनकी आप ज्वेलरी देखें, इनके आप कपड़े देखें, तो लगता है कि वाकई ही मैं फिल्म सिंसियरिटी से बनाई गई है। तो लड़कियों का होता है कि थोड़ा अच्छा मेकअप वेकअप करके जाए, कभी ऐसा हुआ कुछ ने ज्यादा पाउडर थोप लिया हो थोड़ा सा? वो वेट टिश्यू से एक एक का मेकअप उतारा है बारी बारी से, उसके बाद में पहचान गए कि मैंने इनको भी कास्ट किया। किसने सबसे ज्यादा थोपा था, किसका उतारा था मेकअप? हमें अलाउड ही नहीं था कि हम कोई भी मेकअप पहने। अच्छा, सिर्फ धूप से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा अगर पाउडर भी लगा देते तो सुजीत सर आके वो भी वेट वाइप लेके एक एक लड़की का मुंह खुद बाकायदा साफ कर किया। आपके डायरेक्टर साहब जी, तो मुखर्जी साहब को हो सकता है अच्छा लगता हो ऐसे करना। ये सच है, उन्हें अच्छा लगता था। दूसरी फिल्म तो वैसे भी नहीं देंगे, ठीक है। ओहो, ये है जिंदगी के तजर्बे। जब इतनी बड़ी कास्टिंग हो पाजी,
हम तो हंसी मजाक में बात करते हैं लेकिन कई कई बार राइटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर 9 लोगों का एक सीन है तो एक आध को तो डायलॉग देना ही भूल जाता है वो, तो ऐसे में जो स्मार्ट आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी जगह ढूंढते हैं, जैसे कि काजल से मैं प्यार करता हूं, तो बीच में आदमी का कोई डायलॉग नहीं सामने लगता तो वैसे ही बोल जाते हैं अच्छा जैसे मुझे किस्सा किसी ने सुनाया, अब मुझे पता नहीं सच्चा है कि नहीं है, राजकुमार साहब हमारी इंडस्ट्री के ग्रेट एक्टर रहे हैं, उनके उनके कोई नौकर का रोल कर रहे थे, पता नहीं शायद आपने सुना हो इसका मतलब फिर आपने भी सुना है किसी की बात सच्ची होगी, मोहन छोटी, तो वो नौकर का किरदार पाजी प्ले कर रहे थे, एक महीने से वो चाय दे के आते थे ऐसे, यार ये मेरा उठ क्यों रहा है बार बार टी शर्ट, तो वो चाय लेके आते थे रख के चले जाते थे, एक महीना शूटिंग हो गया, एक दिन उनका डायलॉग था, राजकुमार साहब को उनको बोलना था कि सर मेरी माँ बीमार है, कुछ भी हो सकता है मैं गांव जा सकता हूँ, तो वो बड़ा खुश था बेचारा, सुबह से रिहर्सल कर रहा था, तो राजकुमार साहब आए, शॉट कैमरा ओके एक्शन, वो आदमी आया भी उसने प्लेट रखी नहीं, हम जानते हैं तुम्हारी माँ बीमार है, कुछ भी हो सकता है तुम गांव जा सकते हो, वो वहीं से निकल गया पर उन्होंने तो वैसे ही मतलब राजकुमार साहब को उनका एक स्टाइल था बड़ा ही खूबसूरत। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, कभी हर किसी के साथ हो सकता है कि कोई एक सीन है पता है कि ये सीन में ये 3 लोगों के डायलॉग हैं, ये सीन में फलाने 3 लोगों के डायलॉग हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि चलाकी मारी आपने, ओ अच्छा ऐसा कुछ किया हमें कहा गया था वर्कशॉप्स में कि आप ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक रियल माहौल बनाना था जो एक जो कोठे का एक माहौल है, तो अगर फ्लोरा या किसी और कैरेक्टर का डायलॉग चल रहा है तो पीछे से आप कुछ ना कुछ अगर बोलना चाहें खराब ना करते हुए तो आप बोल सकते थे, तो हमें उतनी छूट थी, वैसे थी। अलाउड इम्प्रोवाइजेशन। कुछ कुछ सीन्स में मैं साइलेंटली देख रही थी कि क्या हो रहा है चल रहा है माजरा, मैं बीच में गाली बक देती थी आपने इन्होंने कहा बकी, मैंने कहा आपके बकी हैं ट्रेलर में, आपने मतलब गाली दी है ट्रेलर में, तो वो डायलॉग में था क्या आपने दिल से बोला? अब क्या बताओ लड़कियों, ये चंदू नहीं है जो हमारा इधर चाय वाला वो कामचोर नकम्मा जो ये है उनके अंकल जी, अंकल जी यार अपनी हम उम्र के लोगों का नाम लिया करते हैं, लुम्बा साहब को सही कह रहे हैं, हम उम्र एक्चुअली हम सबकी उम्र मिला के ना इतनी तो होगी आपकी कि नहीं अच्छा देखो मैंने सुना था इनकी इंग्लिश वीक है, इनका तो हिसाब भी खराब है, चंदू क्यों नहीं आया ये तो बताओ आप? ओ थोड़ा बिजी है, अपने पापा की मैरिज की तैयारियां कर रहा है, बिन माँ के बच्चा पाजी मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं इधर फैमिली बनाने आया हूँ। चाची आपकी उम्र देखिए आप उसका ख्याल करो कुछ, क्या मतलब मैं उम्र क्या क्या मतलब मैं अभी तो वोट डाल के आया हूँ, तो क्या जो बंदा पाजी वोट डालकर सरकार बना सकता है अपना घर संसार नहीं बना सकता हाँ भाई बेगमा ये बताओ कि कौन मुझको अपना नवाब बनाना चाहता है? अच्छा बेटा इनका जुराब जैसा बाप बन के आया था मैं नवाब, इन नवाबों में कोई बात होती है नवाब साहब? बात तो फिर होस्ट में भी होती है, लड़कियां मैनेज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? लड़कियों यू डिसलाइकिंग मी? नो, बीच वाली नहीं बोली आपको पता है इनके खर्चे कितने हैं? तो कोई बात नहीं, इतने खर्चे कर सकती है एक बंदा नहीं पाल सकती खैर विद्या जी मेरे बारे में आपकी क्या राय है? वो शादीशुदा हैं लुम्बा साहब। फिर क्या हुआ, शादीशुदा की राय नहीं होती? नहीं सिर्फ ऐश्वर्या की होती है। इनका रॉय है इनका रॉय है सिद्धार्थ रॉय कपूर, उनके साथ तो मेरा बड़ा उठना बैठना है। सही बात है, ये जब आते हैं, हाँ ये आके बैठते हैं ना वो उठ के चले जाते हैं, ये उठना बैठना आपका? देखो मेरी बात सुनो, वो रिस्पेक्ट की बात है, वो कहते हैं आप बैठ जाओ मैं चला जाता हूँ लेकिन मेरी बात सुनो, आज मैंने इधर से नहीं जाना जब तक मेरी शादी नहीं होगी। अब किनको प्रपोज करना चाहते हैं लुम्बा साहब? मैं अपना देखो जी किसी एक का नाम लूंगा दूसरे नाराज हो जाएंगे किसके साथ मेरी शादी हो सकती है मैं पहले देख ले। क्या मतलब देख के करोगे शादी? चलो आपसे बातचीत कर लेते हैं, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जाइए। हाँ जी नमस्ते अभी ये एग्जिट का मेन पंच ढूंढ रहा है बहुत अच्छे नए नए कैरेक्टर पल्लवी
आपको मुक्का वगैरह मारने का दिल करे मार सकती हूँ? मारूं? कॉन्ट्रैक्ट में है कि हम मार वगैरह सकते हैं। और मेरी चाय उबल रही है। हम इंतजार कर रहे हैं। आप जब करती कोई भी किरदार बड़ा ही कन्विक्शन के साथ करती हैं। आप इसमें हुक्का भी पीती नजर आ रही हैं। जी। आपने प्रैक्टिस की थी पहले? हाँ। आपने कहा सिद्धार्थ को कि हुक्का लेके आओ, प्रैक्टिस करनी है? तो उन्होंने पूछा क्यों? अच्छा। मैंने कहा मेरा प्यार 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 हुक्का बार। अच्छा, आप सिद्धार्थ को वैसे ही बातें मतलब एंटरटेन करती होंगी ऐसे कि वैसे ही आप टीवी पे जब आती तो नॉटी हो जाती वैसे सीरियस हैं आप? सिद्धार्थ के साथ अलग तरह की नॉटीनेस होती। और नौटियां बाजी। वो नौटियां पहली बार तू भी शर्मा गया गुरु। हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं। हम लोग नए नए आइडियाज करते रहते हैं। एक दूसरे की तरफ उंगली उठानी है आपने। अच्छा। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। पर हम एक दूसरे को कंट्रोवर्शियल हो रहा है। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है कुछ। विद्या जी को उंगली करने की बढ़िया आदत है। हाँ, क्या है ये? मेरे को क्यों चाहिए? अगर आपको उंगली करनी हो तो। हे देवियो, इट्स अ फैमिली शो। ओके, अच्छा, कौन सबसे ज्यादा फोन पे बिजी रहता है, सोशल नेटवर्किंग पे? मैं? वो मैं? सोशल नेटवर्किंग पे क्या करती हो गौहर? इतना क्या डालती हो उस पे? फोटो डालती हो, क्या करती हो? नहीं, मैं मुझे ना जो मुझे प्यार करते हैं मैं उन्हें बुलाती हूँ मेरा क्रेजी लॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट जो मैं काम कर रही हूँ अपने जिंदगी में। सो आई डू इट फॉर यू गाइस। So sweet. बहुत अच्छी बात की आपने। Okay. It's true. सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता है? किसको गॉसिप करने की आदत है? इनोवेटिव आइडियाज नए किसी को भी घर बैठे किसी के ऊपर वेरी ऑनेस्ट। तो आपको बॉलीवुड को लेकर गॉसिप होते है किसी भी मुद्दे पे? हाँ, इंडस्ट्री की बातें भी होती थी जो जितना हमने सुना है। विद्या, क्या मजा आता है वैसे ऐसी बातें करके? मजा आता है? मजा आता है। जो आप अपने बारे में विश्वास नहीं करोगे ना, किसी और के बारे में जब सुनते हैं तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ऐसे होता वो है? शूटिंग पे लेट पहुंचा क्यों? ऐसी होती है। पानी पार्लियामेंट में जब बैठते हैं जब स्पीकर नहीं आया होता पॉलिटिशियन लोग आपस में करते हैं एक दूसरी पार्टी के बारे में? दो नहीं भाई। अच्छा, मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन पाजी, सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके पार्लियामेंट में बहुत खूबसूरत महिला नेता भी होती हैं, तो आपके दोस्त भी होते होंगे कोई? नहीं, आपस में मंत्री वगैरह बात करते हैं कि ओए ओए कुछ कर रहा हूं इस जवाब। जैसे रेखा जी राज्यसभा जाती है आपने कहा वो कमाल लग रही भाई। ऐसे होता है वैसे पाजी? आप तारीफ करते हो, खुल के करते हो, नेशनल टीवी पे करते हो? होता है, होता है, होता है ना? वेरी ऑनेस्ट। सिद्धू जी के लिए जोरदार ताली है। विद्यावती, ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं मतलब? अरे मुझे पूछना चाहिए ये क्या कर रही हैं भाई? नो एनीवेज, 9 लग रहा है हीरोइनों की माल गाड़ी खाली हुई है पूरी की पूरी, एंड 10 हद ही हो गई भाई, ये तो हद ही हो गई, अब तो क्या बताऊं मैं। क्या करके रही हैं आप? ये क्या जूड़े में 10 नंबर लगा के आ गई आप? इनसे बात कर लूं अगर आपकी परमिशन ना हो तो? गौहर जी, ओहो, विद्या जी, ओहो, इला जी, ओहो। अरे विद्यावती, आप अपने नाम की तो शर्म करें आप। आपका नाम है विद्यावती, अरे जूड़े में मोमबत्तियां लगा के घूमती हैं, आपको अच्छा लगता? वाह ही आप हरकतें करती हैं आप। यस, ये टैलेंट मेरे अंदर बचपन से है, लेकिन मैंने कभी गुरूर नहीं किया, कभी नहीं किया। गुरूर करूंगी तो फिर वो हो जाएगा तेरा 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 सुरू। एनीवेज, विद्या जी, जी, बिग फैन हियर, आपसे इंस्पायर होके अपना नाम रखा है विद्या, विद्यापति।
विद्या जी नाम की नहीं, बहुत सारी क्वालिटीज भी सिमिलर है मेरी आपसे। अच्छा जी, बहुत सारी क्वालिटीज मिलती हैं। ए झूठ बोलती, कोई सिमिलरिटी क्या मिलती है क्वालिटीज? तुम तो स्कूल से घर जाना, तुमको ऑटो नहीं मिलता पता। वो दो बार भाड़ा लेता है इनसे, 30 रुपए इनका, 250 रुपए इनके जुड़े का। जस्ट लीव एवरीथिंग, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ लेडीज, दरअसल मेरे एक बॉयफ्रेंड है, एक ही है फिलहाल, तो वो आएंगे यहाँ पर, आप सबके बहुत बड़े फैन है, ऑटोग्राफ लेंगे चले जाएंगे, आपकी ना हो तो मैं बुला लूं। एक मिनट, ये मुंह में क्या है? अकेले अकेले खा रहे, मुझे क्यों नहीं दिया? इलायची है, मुंह से स्मेल आएगा इसलिए रुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वो दरअसल वो प्याज का पानी पी लिया था ना, इसलिए स्मेल। अरे विद्या, मेरे को ऐसा कवर मत करो, लोगों को मालूम है मेरे बारे में। हाय विद्या। हाय, हाउ आर यू संजू? आई एम गुड यार। अच्छा अच्छा, ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, ऑटोग्राफ लो और चलता बोलो। हाँ, मेरी एक खासियत है कि मैं खाली ऐसा, मतलब खाली लेता नहीं हूँ फ्री में, उसके बदले में कुछ देता भी हूँ। हाँ हाँ, तो दे दो ना। दरअसल ये भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य देखते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, वो देख दो बदले। वो एस्ट्रोलॉजी मैं वो छोड़ दिया मैं। एस्ट्रोलॉजी कब छोड़ा? पेट काट काट के तुझे एस्ट्रोलॉजर बनाया मैंने, एस्ट्रोलॉजी कब छोड़ी तुमने? पेट काट काट के तो ऐसा बोल रही जैसे एस्ट्रोनॉट बनाया। हाँ, अभी मैंने कपिल भाई, मैंने नया चालू किया है अभी। क्या? ये क्या करता हूँ मैं, हाँ वो करता हूँ मैं, जिसमें वो पढ़ते हैं ना, क्या जूते? अरे वो पढ़ते हैं ना अपना, फोटो के नीचे लाइक करते अपन, लाइक। अच्छा, फेसबुक? फेसबुक नहीं, उसका पहले का फेस। हाँ, फेस रीडिंग कर रहा हूँ। और मेरा खासियत ये कि मैं जो भी फेस रीडिंग कर रहा हूँ ना, उसके लिए फेस रीडिंग जितना भी चालू है ना कपिल भाई, हाँ, उसके लिए मेरे को बहुत सारा इम्प्लीमेंट्स मिला है। अरे नहीं, इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्लीमेंट, वही सप्लीमेंट। तो वही सप्लीमेंट, वही सप्लीमेंट। फेस रीडिंग शुरू करें? हाँ, फेस रीडिंग चालू करते हैं। और मेरा ये किधर है? एक मिनट, आई हैव ये देखो, 75 रुपीज गए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। मुन्ना, शुरू करेंगे हम आज विद्या जी से। अच्छा, जोरदार ताली हो जाए विद्या जी की। हाँ, आपको पता है आपके दोस्त की शादी होगी? वो कौन? वो जो आपका दोस्त है जिन्नम वाला। हाँ, मिल नितिन मुकेश। अरे नहीं, नील नितिन मुकेश। नील नितिन मुकेश, वही तो बोल रहा हूँ भाई। नील नितिन मुकेश, समझ गया। बोलो तो वो क्या नाम बोलो? नील। हाँ, नितिन। एक मिनट, मैं वापस करता हूँ, वापस करता। लास्ट नील। हाँ, मीटिंग मुकेश। जितनी चद्दर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। मेरा थोड़ा सा बॉम्बल हो गया अभी, सुनो। तो मेरा अभी नवा पेशा है क्या, कि मैं फास्ट रीडिंग करता हूँ। अच्छा, फास्ट रीडिंग। वाह वाह वाह, क्या फास्ट कट है। आंखें देखो, है सुरमई आंखियों वाली। क्या लिप से, वाह क्या फीचर्स, बहुत सॉलिड है आपके। लेकिन आप बहुत टेंशन लेती है, राइट? नहीं नहीं, आप बहुत टेंशन लेती है कि अरे कोई कचरा तो नहीं कर रहा है इंडिया में। कोई खुले में शौच तो नहीं कर रहा है। करेक्ट। ऐसा टेंशन मत लो विद्या जी, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो, हो गया उनका, विद्या जी का हो गया। आगे हो गया इनका। हाँ जी हाँ जी मैडम, आपका 60 रुपीज हो गया। लेकिन 60 क्यों लेते हैं हर बार आप? मैं 60 से ही शुरू करता हूँ। वो आपके दोस्त ने बुलाया नहीं आपको? कौन? ये जिसकी शादी हुई है। एक्चुअली क्या हुआ, नाम मुझे उसका बताओ पहले। वो नींद मिटी नीचे का था तो, तो बोला हो क्यों, कोई आया क्या पीछे? अभी नेक्स्ट गॉर्जी जी, गॉर्जियस। क्या मैं You can. हाँ, अभी क्या है, बैठ गया, उम्र हो गया ना, बैठ गया तो उठने नहीं होते। गौर भी जानती उनको? किन को? नील मिटिन मुकेश। डू यू नो मी? गौर भी गई थी उसकी शादी में।
आप गए जी? हाँ, कार्ड भी आया था, उस पर लिखा हुआ था लड़की का नाम और साथ में बेड ऐसे वही नील नितिन मुकेश मुकेश प्रॉब्लम तो होता है आपका तो ठीक है उधर, वो क्या बोलते नील नितिन नितेश गुरु मेरे को तो उसका वाइफ का टेंशन हो रहा है, वाइफ का नाम फिल्मी नितिन नितेश आएगा नहीं, उनके लागे लिखेगा ना मिसेस आगे उनका नाम और नवा मिसेस मिसेस अगर सिज्जू जी ने बोला तो मिसेस डैश मील मीटिंग नितेश गुरु इतना बड़ा नाम चलो ए विदाउट टाइम वेस्टिंग अपना एक पहली बार मैं गौर के चेहरे से गौर से देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन वाह क्या फीचर्स है वाह बड़ी भोली हैं आप कभी किसी को ना नहीं करती राइट है ना नहीं मुझे पता है कि उसके बाद आप क्या बोलेंगे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अग्री ना करूं आप कहो है ना क्या करूं मुझे ना कहना नहीं आता ये इनका डायलॉग है राइट क्या मेरे साथ कॉफी पे चलेंगी मुझे पता ही था ठीक है कॉफी नहीं तो दूसरा कुछ पीते बाबू हाँ शट अप अरे देखो उनका गुस्से में जुड़ा लाल हो गया उसका एक मिनट इला जी आया हूँ मेरे बाबा ने कॉफी पीनी है मेरे बाबा ने कॉफी पीनी है हाँ देखो तो कॉफी पीते हो मुझे संगीत लॉन्च आपका 90 हो गया 90 अच्छा कपिल कपिल आपसे भी मेरी एक दरख्वास्त है आप हुक्म करें मैं जब यहाँ मुझे मालूम भी नहीं था कि बेगम जान की टीम यहाँ आएगी एक दिन मैं दिल्ली गई अपने प्ले को लेकर तो हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त की जो वाइफ है उन्हें बिल्कुल सिस्टर लॉ की तरह से प्रेम लता उनका नाम है तो उन्होंने मुझे कहा वो बहुत बीमार है तो मैंने उनको देखा तो मैं एक्चुअली मैं स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि उनका वजन जो है वो बिल्कुल इतनी सी हो गई देन उन्होंने हंस के मुझे कहा इला मेरा एक काम करना अगर तुम कभी भी कपिल के शो में जाओ ना तो इला उनसे कहना कि मुझे सारा शो बहुत पसंद है और मेरी लाइफ में ये जो होप आई है और जो ये मैं जो ये दो पल हंसती हूँ उसकी वजह से मेरी जिंदगी बढ़ रही है सो आई वांट प्लीज उनको आप विश करें सो स्वीट प्रेमलता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए आपकी ब्लेसिंग्स के लिए और जब आप अंदर से अच्छा फील करते हैं अंदर से खुश फील करते हैं तो मुझे लगता नहीं कोई भी बीमारी आपका कुछ बिगाड़ सकती है सो गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ थैंक यू खुश रहें स्वस्थ रहें थैंक यू अजी आपको पता है गौहर जब पिछली बार आई थी तो ये स्विट्जरलैंड में शूटिंग करके आई थी इस बार ये आई झारखंड में गर्मी में शूट करके जब आप फिल्म की स्क्रिप्ट सुनती हैं तो आप अपने रोल की वेरिएशन देखती हैं कि वेदर की हिसाब से आप ऑब्वियसली रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पर एक एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जितने लोग भी सपने देखते हैं मैं आज बिकॉज आपका शो इतना ज्यादा पॉपुलर है सारी दुनिया ये शो देखती है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सारे लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं इफ यू जस्ट बिलीव क्योंकि मेरा ये फिल्म में बेगम जान करने के लिए मैं इतनी ज्यादा लकी फील करती हूँ अपने आप में कि मेरा सपना पूरा हुआ है क्योंकि मुझे विद्या बालन जी के साथ काम करने का मौका मिला है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने बिलीव किया और सुजीत सर ने बिलीव किया कि मैं ये रोल कर सकती हूँ और मुझे खास इनसे एक मैसेज आया था कि गौहर हम चाहेंगे कि आप ये रोल करें तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती है गौहर रिद्धिमा आप पहले बैंकर थी हाँ तो आपने क्या फिल्म स्टार्स के अकाउंट चेक कर लिए थे आपको लगा कि बड़ा पैसा कमाते हैं तो आप इसलिए आए इंडस्ट्री में बैंकर गलती से बन गई मैं अच्छा तो बेसिकली आप कहाँ से रिद्धिमा मेरी मॉम ग्वालियर से हैं शी इज सिटिंग हियर शी इज राइट हियर अरे हाउ आर यू मैम गुड बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्वालियर बड़े खूबसूरत शहर से पापा इज फ्रॉम इटावा तो मैंने अपनी स्कूलिंग की साइंस पढ़ा उसके बाद मैथ्स और फिजिक्स बहुत वीक थी फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा नहीं तो आपने जब एक्टर ही बनना था इतना खर्चा क्यों कराया मां-बाप का है ना क्यों पढ़ा आपने इंग्लिश लिटरेचर नहीं मम्मी चाहती थी मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाऊं तो डॉक्टर नहीं बनी तो एक्टर बन गई
अच्छा पहले मुझे लगता था कि मिस इंडिया जब कोई बनता है तो वो इंडिया में ही बनता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में मिस इंडिया कैसे बनी पल्लवी? हाउ आई मीन हम लोग इतने मतलब मिस करते हैं इंडिया को. आई थिंक एवरीवन दैट ग्रोज अप आउटसाइड इंडिया हैज दिस फीलिंग कि मैं इंडिया जाऊं, मैं इंडियन बनूं. और मुझे बचपन से ये हमेशा था कि मैं बड़ी होकर एक्ट्रेस बनूंगी इंडिया में, क्योंकि मुझे हिंदी फिल्में पसंद थी, मुझे हिंदी आती थी. मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मैं पैदा हुई हूँ ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी हुई हूँ, पर वहाँ पर मैंने अपना भाषा, डांस, कल्चर सब सीखा है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऑस्ट्रेलिया ने मुझे ये दिया है और ये मौका मुझे मिला है बेगम जान में टू प्ले अ कैरेक्टर दैट्स फ्रॉम होशियारपुर. मैंने बनाया है कि बैक स्टोरी होशियारपुर. होशियारपुर वॉज द गाँव ऑफ माई दादी. अच्छा. और मेरी दादी माँ होशियारपुर. पंजाब से काफी लोग निकल रहे हैं. For me, as a girl who watched films in Australia as a three-year-old, like, it's unbelievable to be here. So, thank you. अच्छा, Flora, Raviza, आप दोनों पहले से फिल्में करती हैं आप? कि आप भी आपकी फर्स्ट फिल्म है? मेरी फर्स्ट फिल्म है. इससे पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी इम्तियाज अली के साथ, जिसका कॉन्सेप्ट भी प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड था. तो उसका कुछ मुझे हेल्प मिला इसमें यूटिलाइज करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट एंड उस टाइम कैसा था और अब कैसा है वो लाइफ और लोग कैसे देखते हैं उन्हें. सो आई एम लकी इनफ टू से कि मैंने ऐसे रोल्स किए हैं और ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें यू नो आई हैव गॉट टू रियली अंडरस्टैंड पीपल बेटर. कौन आ गया? विद्या. लाल चुन्नी माता की. ये फिर आ गया. यस, फिर आ गए. मैं इसलिए आया हूँ, मेरा आने का पर्पस ये है. पर्पस क्या? मुझे याद आ गया. क्या आपके आने का? आने का पर्पस, पर्पस वजह, पर्पस. थैंक यू सो मच. आई लव माय कंट्री एंड आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. क्या? यू आर ऑसम. यू आर सो गुड. नील नितिन मुकेश. एक और बार मैं इतना अभी प्रोपोज किया है. मैं प्रोपोज तो मैं आई वांट टू से द थ्री वर्ड. हां, मील नितिन नुते. थैंक यू. मैं तो गाने वाली थी आपके लिए. नायक नहीं खलनायक के तू. ये पेशेंट से डॉक्टर है वैसे. टू गुड है यार. इट्स अमेजिंग. सुपर. और पता है मैंने सबसे फेवरेट को स्टार संजय दत्त है. तो मैं बहुत खुश हो गई यार. अच्छा? उनसे मिलके अरसा हो गया. एंड इफ संजू यू आर वाचिंग दिस, सबसे फेवरेट. लव यू बाबा. आप वापस गुलाब लेके आप ही जा रहे हैं? अरे जाओ, आपके लिए लाया था, मैं भूल गया. दिस इज योर्स. थैंक यू. दिस इज आल्सो योर्स. थैंक यू. हां, बहुत बाबा बाबा आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास. थैंक यू. बाय. फ्लोरा, नाम आपका नाम बड़ा खूबसूरत है. मैं पंजाबी हूँ. अच्छा, आप भी पंजाब से? दिल से पंजाबी हूँ. अच्छा. बट मेरा जो नाम है, क्योंकि जब मेरी मामा मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो एक, उस टाइम टीवी नहीं होता था, रेडियो होता था, तो वो एक रेडियो पे प्ले सुन रहे थे ऑफ अ क्रिश्चियन फैमिली ऑफ थ्री, फादर मदर डॉटर. डॉटर्स नेम इज फ्लोरा. उनको नाम इतना पसंद आया कि वो डिसाइड था कि मेरी बच्ची हुई तो उसका नाम फ्लोरा रखा जाएगा. ये हमारी यूनिट की माधुरी दीक्षित है. अच्छा, देख लीजिए. तो आप अच्छा डांस करती हैं. क्या बोलूं माधुरी जी, कोई डायलॉग बताओ आप. मुझे एक ही आता है. मुझे बड़ी अच्छी लगती माधुरी जी. एक चुटकी सिंदूर. नहीं, वो तो ये आपने किसका डायलॉग बोल दिया आपने? शी इज माय फियांसी. अरे माधुरी नहीं, दीपिका. मैंने बताया नहीं एक्चुअली ऑन कैमरा, पर बता देता हूँ. बोलने में क्या जाता है. पूनम, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप बड़ी प्यारी लग रही हैं वैसे. थैंक यू सो मच. मैं भी, आप बहुत खूबसूरत है. कुछ जो आपके, आप भी हिमाचल से हैं? तो पूनम जी, से समथिंग नाइस अबाउट मी. आई लव यू. सो स्वीट. थैंक यू डार्लिंग. आई लव यू टू. पूनम, आप भी पहले पहले टीवी किया आपने? मैंने टीवी थोड़ा बहुत किया है, मतलब एग्जैक्टली मैंने टीवी नहीं किया है. तो आपकी पहली बॉलीवुड फिल्म है? हाँ, ये मेरी पहली फिल्म. मजा आया करके? बहुत मजा आया. ओह गॉड, ओह
वाओ ये देखिए हेलो ये क्या वो कर रही है अरे इतने सारे आए हुए एक हेलो से हो जाएगा क्या कपूर शर्मा आपके लिए मैं एक एम्बुलेंस बुलवा दूं क्यों नहीं मतलब इतनी सारी ओरिजिनल लड़कियों को देख के आपको तो हार्ट अटैक आ गया होगा एक बार मैं पहले अपना तारुफ करा देती हूँ मैं हूँ बम्पर रहती हूँ अपने दम पर तुझे अपने ही दम पर रहना पड़ेगा किसी के दम पर रहेगी उसका दम नहीं निकाल देगी वैसे मेरे को मानना पड़ेगा मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी जरूर आपने 16 शनिवार रविवार के व्रत रखे होंगे तब जाके इतनी खूबसूरत लड़की आपके घर में आई है 16 सोमवार के होते बम्पर नहीं वो तो जिंदगी में लाने के लिए होते हैं लेकिन शो में लाने के लिए शनिवार रविवार चलेगा खैर विद्या जी लेकिन एक चीज है आपने ना मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी आपको अच्छा क्यों आपने अपनी ये जो फिल्म आ रही है ना उसमें आपने मेरा स्वैग कॉपी किया है और आपके लंबे बाल भी हाँ लंबे बाल तो कॉपी किए हैं और आपके फिल्म का पोस्टर देखा मैंने वहाँ पे आपकी भौहें जुड़ी हुई है ना क्या जुड़ी है भौहें भौहें आपको दो टिकटें दूंगी मैं फिल्म के तो इनको दो ही लगती हैं एक टिकट पे आती नहीं है ये सीट के बीच में जो होता है ना वो निकालना पड़ता है आर्मरेस्ट वैसे इला अरुण जी मैं ना आपके गाने हमेशा सुनती आई हूँ रेशम का रूमाल गले में डाल आजा दरवाजे पे खड़ी हूँ मैं खाली जानना चाहती हूँ दरवाजे पे क्यों खड़ी है क्योंकि कोई आता नहीं है नहीं नहीं इतना वेट नहीं प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बहुत साल पहले भी गाना सुना था तभी भी आप दरवाजे पे खड़ी थी अभी 3 दिन पहले सुना तभी भी आप दरवाजे पे ही खड़ी थी दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा वो आके खड़ा है बाहर रेशम का रूमाल बचपन से ना इस गाने के ऊपर रेशम का रुमाल मैं अपने गले पे बांध के क्या डांस किया करती थी झूठ बोलती है इला जी गला तो है नहीं कहाँ है साथ में कैरी किया करो साथ में कैरी मैं रेशम का रुमाल लेके अभी भी घूम रही हूँ देखिए ये गला, गला, गला। अपने गले पे इस तरह बांधती थी लेकिन आओ पल्लवी शारदा 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 जी मैं एक्चुअली एक और लड़के को जानती हूँ हिज नेम इज कीकू शारदा वाह मैं बता रही हूँ क्या कमाल का लड़का है ना वो फिलहाल तो वो लड़की है ना वो क्या है उसका एक प्रोड्यूसर है लालची प्रोड्यूसर उसकी वजह से ना मजबूरी में उसे कभी कभी लड़की बनना पड़ता है छोड़ क्यों नहीं देती उस प्रोड्यूसर को क्योंकि लड़का भी थोड़ा सा लालची है बंपर तो क्यों फालतू में तंग करती हमारे मेहमान आए क्यों ऐसे तो मैं खाली बताना चाह रही थी कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी आज बहुत सैड है क्या है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और आपको तो पता है कि उनकी पत्नी ना एक जमाने पहले ही उन्हें छोड़ के जा चुकी है अब अकेले वेडिंग एनिवर्सरी कैसे मनाए तो बड़ा अकेला अकेला महंजूंस कर रहे हैं वो तो मैं बस चाहती हूँ कि उनको यहाँ बुला लेती हूँ आप उनको थोड़ा चीयर अप कर देंगी ठीक है हाँ प्लीज डॉक्टर साहब 9876543 2 1 हैप्पी न्यू ईयर कौन सा मार्च में आपका हैप्पी न्यू ईयर आता है जिसकी एनिवर्सरी पे उसकी बीवी ना हो साथ तो उसके हाथों है हैप्पी न्यू ईयर ना सिद्धू साहब हाँ जी मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 29 नहीं 30 नहीं 31 कितने नहीं 32 सालों से नहीं 33 सालों से ठीक है वो समझ गए 34 सालों से मैं अकेले 33 नहीं 32 सालों से होता है अकेले हनीमून में आपके मुंह में स्पेलिंग फंसे हुए लाओ झाड़ दूं 32 सालों से कह रहा नहीं 37 मैं काम करती हूँ आपने लगता है थोड़ी ज्यादा पी ली है मैं आप उतारने के लिए बाप की पिया हम कमाता है पीता है 80 रुपए का पौआ पीता है पिएगा मेरा एनिवर्सरी है मैं क्यों नहीं पिएगा एक काम करती हूँ आपने बहुत ज्यादा पिए मैं आपकी उतारने के लिए सीढ़ी लेके आती हूँ सीढ़ी क्यों भाई नहीं सीढ़ी से चढ़ाया जा सकता है तो उतारा भी तो जा सकता है सेम थिंग सिर्फ तो ये जिंदगी में तो मेरा भाई है यार तू नहीं होती तो मेरा क्या होता बम्पो हाँ मैं समझ रही हूँ अच्छा वो मैं तेरे को सैलरी नहीं देता वरना तू कब की नौकरी छोड़ के चली जाती अच्छा फिर जब तू सीढ़ी लेके आएगी ना तो उसमें डिकचिक डिकचिक अच्छे गाने हो वो लेके आना ठीक है क्या ला रही हूँ मैं ला रही अभी लाती हूँ
विद्या जी नमस्ते इला जी आपको पता मेरे साथ बहुत अजीब हो गया मेरी शादी हुई और मेरे बीवी भाग गए आजकल मैं बिल्कुल सिंगल हूँ गौहर अगर आपके पास नहीं है कोई शोहर तो हम लोग कुछ कर सकते हैं श्री साहब मैं बहुत उदास है बट एज अ डॉक्टर मेरे कुछ फर्क बनते हैं वो मैं पूरे करूँ फर्क नहीं फर्ज एनीवे तो मैं एज अ डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करना चाहूँगा टेस्ट यस आप ग्रुप में बैठे हुए हैं आई वुड लाइक टू डू योर ब्लड टेस्ट सब लोग बोलिए ब्लड ब्लड कटे ब्लड ब्लड जोर से बोलो ब्लड प्यार से बोलो ब्लड आवाज नहीं आई प्यार से बोलो आवाज नहीं आई वेरी नाइस आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत पॉजिटिव देखिए सिद्धू साहब मेडिकल साइंस कितनी एडवांस हो गई ऐसे टेस्ट हो जाते हैं आजकल पता ही नहीं चलता एनीवे अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करना चाहूँगा एक सेकंड में आपसे मेरी वाइफ मेरे को ना तेरे को ज़्यादा दुख रहा है मेरी लाइफ बहुत खराब हो गई है मेरे दोस्त सिद्धू साहब मेरे से पूछते हैं कि कब आएगी तुम्हारी वाइफ मेरे को नहीं पता ठीक है आप रोइए डॉक्टर साहब आप रोइएगा नहीं आपकी बीवी चली गई कोई बात नहीं आप मेरे साथ आइए नहीं कोई बात नहीं है रोने की क्या थोड़ा दुपट्टा खा लो नहीं नहीं ऐसे नहीं करते बेचारे दुखी हैं हम आपको तैयार करते हैं ताकि आपके लिए हम अच्छी सी एक डेट सेट करें ठीक है आप इधर बैठिए बीच में बिल्कुल और हम आपको तैयार करते हैं खुश हो जाइए लड़कियों के बीच में बैठ के आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है हो गया है अच्छा डॉक्टर साहब आपको जानकर बड़ी खुशी होगी आपके लिए डेट का इंतजाम हो गया है अच्छा ये रही आपकी डेट ये रही डेट खजूर को इंग्लिश में डेट कहते हैं कैसा लगा हमारा मजाक आपकी डेट ये रख लीजिए आपकी डेट में लेकर आई हूँ वैसे हैंड ये लीजिए अब आपकी डेट आपके हाथ में डॉक्टर मिश्र गुलाटी बल छोटलाल गुलाटी की भरी सभा में बेइज्जती ये केक मैं नहीं काटेगा ये केक नहीं आपके लिए ये डॉक्टर साहब केक आपके लिए डॉक्टर साहब सुनिए एक बार बेगम जान की पूरी स्टार कास्ट के लिए ढेर सारी तालियां हो जाएं आप सबको बेगम जान के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बड़ा खूबसूरत ट्रेलर है और लोग उसको बहुत पसंद करेंगे और एक एक इला जी हम लोग अपने पूरे शो में हमारे दर्शकों को या किसी को भी हम लोग एक खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करते हैं पर आज आपके मुंह से आपके गाने सुने 20 साल बाद इतना मजा आया तो हम आपको वो गिफ्ट करने जाते हैं आपको ये कैसे मालूम कि मेरा मोबाइल खराब हो गया आई स्वेयर ऑन गॉड थैंक यू ये आपके लिए इला जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू मैम थैंक्स फॉर कमिंग आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए बहुत जी आप कुछ कहना चाहेंगी हाँ, जाने बिल्कुल से पहले? कहना चाहूंगी कि मैं बहुत बार आई हूँ कपिल के शो पे हर बार मजा आता है पर आज कुछ ज्यादा ही मजा आया थैंक यू ऐसे ही हंसते रहें मुस्कुराते रहें आसपास सफाई रखें और देखते रहिए कपिल शर्मा शो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़